दुर्ग में जन समर्पण सेवा संस्था के बैनर तले बढ़ती गर्मी को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए पोटना व सकोरे का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर विधायक, महापौर सहित अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। दुर्ग शहर में लगभग 5 वर्षों से जन सेवा के कार्य में लगी जन समर्पण सेवा संस्था ने गरीबों को भोजन कराने के साथ ही अब भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए भी अपनी संवेदना जाहिर की है, जिसके तहत शहर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था ने शहर के विभिन्न स्थानों पर गौ माता को पानी पिलाने कोटना स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहरवासियों को अपने इस अभियान में जुड़ने विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर पक्षियों के लिए निःशुल्क सकोरे वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत रविवार से दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह के सामने स्टॉल लगाकर पक्षियों के लिए सकोरे व पशुओं के लिए कोटने का वितरण कर किया गया, जिसके चलते करीब 5 नग कोटना व 1000 से ज्यादा अधिक सकोरे का निःशुल्क वितरण किया गया। इसी कड़ी में आयोजन में पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवाल, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू व पिछड़ा आयोग के RN वर्मा सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में लोगों को कोटना व सकोरे का वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी, तो वही दुर्ग महापौर ने भी कहा कि इस अभियान को पशु पक्षियों की चिंता किए जाने की इस पुनीत अभियान पर नगर निगम दुर्ग हर संभव मदद के लिए आगे रहेगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने भी इस आयोजन की तारीफ करते हुए संस्था के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा जताया। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र बंटी शर्मा ने कहा है कि 42 से 45 डिग्री के तापमान में जब आम जनमानस भीषण गर्मी से परेशान है, ऐसे में पशु पक्षियों की सेवा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने शहर के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी रखें और सकोरे रखें। इस संबंध में न्यूज टीम को सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्यास की जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। प्यासे कंठ की प्यास बुझाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री बंटी शर्मा और उनके सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा जो शहर है शिवनाथ नदी के पास है और ये नदी लगभग 4 लाख से अधिक प्यासे कंठ की प्यास बुझाती है। और अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वैसी स्थिति में पक्षी ऊपर से गिर रहे हैं और उनकी जब उनको प्यास की वजह से गिर रहे हैं, उनके लिए सकोरे देना और घरों में जाके जो जो जान जो मवेशी है उनके लिए ये कोटना देना, निसंदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं बहुत बहुत अधिकारी की प्रशंसा करता हूँ, जो कि विगत 5 वर्षों से पशु पक्षी मानव और गौ माता की सेवा का कार्य कर रही है। इस सेवा और इस उद्देश्य को लेकर हम विगत 4 वर्षों से शहर पर जनता को सकोरे और कोटना वितरण कर रहे हैं। आज पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था पुराना बस स्टैंड दरगाह के सामने आज 200 सकोरे प्रातः, उसके बाद 200-200 करके आज सवेरे से लेकर शाम तक लगभग 2000 सकोरे पशु पक्षियों के लिए आम जनता को हम वितरण करेंगे। शहर की जनता से हम विनम्र आग्रह चाहते हैं कि मानव तो अपनी तकलीफ को और प्यास को, भूख को बता सकता है, पर पशु पक्षी और जानवर जो कि बेजुबान होते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके भूख प्यास के लिए सभी अपने अपने छत के ऊपर कम से कम एक एक सकोरे रखें, जिस पर पानी और दाना पानी रख के रखें, ताकि कोई भी पशु पक्षी भूख या प्यास से ना मरे। अपने अपने घर के सामने या बस्ती में या मोहल्ले में जो गाय माता के लिए या अन्य जानवरों के लिए जो कोटना रखा हुआ है, उस पर आप सभी से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि कोटने की व्यवस्था तो जन समर्पण सेवा संस्था पूरे शहर में और पूरे ज़िले में करेगी। आप सभी से आग्रह है कि उसमें पानी और दाना जो पशु पक्षी या जानवर खा सके वह निरंतर रूप से आप सभी डालते रहें। जन समर्पण सेवा संस्था यही आपसे आग्रह करती है। बहरहाल इस पुनीत कार्य की सराहना सभी ने दिल से की है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।